फ्रेंड्स, मैं वर्षा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कुछ ऐसे लोगों पर आधारित है जो लोग खुद को स्नेक एक्सपर्ट समझकर सांपों को गलत तरीके से हैंडल करते हैं और उस चक्कर में उनके साथ हादसा हो जाता है, यहाँ तक कई बार कुछ लोगों की मौत तक हो जाती है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लोग जो खुद को स्नेक एक्सपर्ट कहते हैं उनसे क्या क्या और कहां कहां गलती हो गई जिस वजह से उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। फ्रेंड्स, ये बिलासपुर के स्नेक रेस्क्यूअर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सांपों की जान बचाई, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि जिस सांप को ये रेस्क्यू कर रहे हैं वो रसल वाइपर है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, और ये लोगों को उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। ये खुद जानते हैं कि ये कितना खतरनाक सांप है, लेकिन फिर भी अपनी एक छोटी सी चूक की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आप वीडियो देखें। अच्छा, वास गलने लगेगा, वही वाला साफ गल जाएगा, अब पूरा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, धीरे 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 बाबा धीरे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब उसमें आ रहा, थोड़ा सा उसको साथ रहने दे। चलो पकड़ो, नहीं ऐस बना रहा है ना, वो काटने के मूड में आ रहा है, वो ऐस बन गया, ऐस बना रहा है ना। अब पकड़ ले, अब मुंडी पकड़, मुंडी पकड़ ब्रो, मुंडी पकड़। भगवान यार, गाड़ी निकाल, गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ ये जान चुके थे कि सांप इन पर दो तीन बार हमला कर चुका है और बहुत ज़्यादा ही काटने के मूड में है, फिर भी ये जानबूझकर उसे पैक नहीं कर रहे थे। और पैक करने के लिए इन्होंने जो थैला का उपयोग किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, इससे हादसा होने के पूरे पूरे चांसेस थे, और जो कि इनके साथ हुआ भी। सांप ने इन्हें बाइट कर लिया और फिर उसी दिन इनकी मौत भी हो गई। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सांपों को किस करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब सांप किस करता है तो क्या होता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये भी बहुत गलत तरीका है सांपों को पकड़ने का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखिए कि ये जो युवक है ये एक रैट स्नेक को हैंडल कर रहा है। बकायदा इसके पास में पूरा इक्विपमेंट है, इसने स्टिक पकड़ी है, और लेकिन उसे सांप की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक और व्यक्ति है जिसने बोरे में पाइप लगाया है, वो भी एक इक्विपमेंट है जो कि सांप पकड़ने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी सांप की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और ये अपने आप को मतलब ये सर्प प्रेमी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि किस तरीके से कौन से सांप को हैंडल किया जाता है, और ज़बरदस्ती ये सांप को चोट पहुंचा रहे हैं, उसे डंडे से दबा रहे हैं, जो कि करना बिल्कुल भी गलत है। तो इस तरीके से भी अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास में कोई लोग, ये नौजवान लड़के इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल रोकिए, क्योंकि रेड स्नेक तो वैसे भी नॉन वेनेमस होता है, और जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं बाइट करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये सांप को गुस्सा दिला रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में इक्विपमेंट रहे तो आप सही तरीके से ही हैंडल कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने इक्विपमेंट का पूरी पूरी तरीके से गलत उपयोग किया है।
फ्रेंड्स अगला जो वीडियो है ये अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि ये रक्षाबंधन का वीडियो है जिसमें एक सर्प मित्र ने अपनी बहनों को सांपों को राखी पहनाने के लिए बुलाया और अचानक से आप देख सकते हैं कि कोबरा नाग ने उसे ही डस लिया जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। फ्रेंड्स हम सर्प मित्र हैं लेकिन सांप भी हमारे मित्र बनकर हमसे रिश्ता निभाएंगे ये सोचना बिल्कुल भी गलत है और इस प्रकार से हादसा हो जाता है जब लोग ऐसी सोच बना लेते हैं। और ये जो सर्प मित्र थे इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे नागों को बहुत सारे सांपों को अलग अलग प्रजाति को बहुत बचाया लेकिन इनकी जो मौत हुई वो एक कोबरा नाग के काटने से हुई। सांपों को बचाना हमारा फ़र्ज है लेकिन सांपों के साथ खिलवाड़ करने का जो भी नतीजा होता है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। आप इस वीडियो को एक बार और देखें कि किस प्रकार से हादसा हुआ है। फ्रेंड्स अगले वीडियो में देखिए कि इस व्यक्ति ने कितने गलत तरीके से सांप को हैंडल किया है। बहुत ही गलत तरीके से सांप को पकड़ के डब्बे में बंद कर रहे हैं। कई लोगों का सोचना ये होता है कि अगर सांप का सर पकड़ लिए तो अब सांप नहीं काटेगा लेकिन ये सोच बिल्कुल भी गलत है। जब तक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति नहीं आती तब तक कि हेड कैच करना बहुत ही गलत तरीका है सांप को पकड़ने का। और जो भी व्यक्ति इस तरीके से हेड कैच करता है और जब भी उसके सर से थोड़ा सा भी हाथ दूर होता है तो सांप बाइट करेगा ही करेगा और ज़्यादातर जो हादसे होते हैं वो इस वक्त ही होते हैं, हमेशा सांप को पैक करते समय ही हादसे होते हैं। तो कभी भी जहरीले नाक को कभी भी हेड कैच नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब तक आपको उसका पूरे तरीके से एक्सपीरियंस ना हो कभी भी हेड कैच नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए कि कितने बुरे तरीके से इन्होंने हेड कैच किया है और सांप को पकड़ के बैठे हैं और इन्हें सांप बाइट कर चुका है। अब इनका तो भगवान ही रक्षक है, भगवान ही इनको बचा सकता है अब, क्योंकि अगर आज ये बच भी जाते हैं तो कल इनके साथ में कोई ना कोई हादसा हो ही जाएगा। इस वीडियो में आप देखिए कि इस शख्स को कितने बार कोबरा बाइट कर चुका है लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ नहीं रहा है, बहुत गलत तरीके से कोबरा को पकड़ के रखा है और कोबरा ने पूरा हाथ लपेट लिया है और बार बार उसे बाइट कर रहा है। कम से कम 3-4 बार कोबरा ने उसे बाइट कर लिया है और ये व्यक्ति उस कोबरा को डब्बे में डालने के बावजूद भी संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि बाइट करने के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं कि हल्के चक्कर आना और ये देखिए आप फ्रेंड्स किस तरीके से इसने कोबरा सांप को फिर से गिरा दिया और फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही गलत तरीका। फ्रेंड्स इस वीडियो में देखिए एक स्नेक एक्सपर्ट हैं जो कि रसल वाइपर को हैंडल कर रहे हैं, बकायदा इक्विपमेंट यूज़ करके कर रहे हैं, स्टिक पकड़े हुए हैं और सांपों की जानकारी भी दे रहे हैं। और इसको जो भी अटैक करने वाला जो भी इसको खाने वाला जानवर होता है वो इसका साइज बड़ा देख के शायद इसको छोड़ दे, इसको ऐसा लगता है। जहां तक हो सके दोस्तों सांप का हेड स्पिन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार से सांप ने उछल के इनको काट लिया है। तो फ्रेंड्स जब भी अगर आप देखें कि सांप गुस्से में आ चुका है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। कभी भी सांप जब गुस्से के मूड में हो तो उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और उसके शांत होने का इंतज़ार करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।